हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सीट पर कांग्रेस के पास बहुमत के बावजूद बड़ा उलटफेर हुआ था। कांग्रेस के दिग्गज नेता अभिषेक मनु सिंघवी को मिली हार अभी भी हिमाचल की सियासत में छाई हुई है। अब अभिषेक मनु सिंघवी ने राज्यसभा वोटिंग में बराबरी के बाद पर्ची सिस्टम से निकाले गए परिणाम को हिमाचल हाईकोर्ट में चुनौती दी है। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि बराबर मत होने पर पर्ची सिस्टम से जिस व्यक्ति का नाम निकले वो हार जाए, ये धारणा कानूनी रूप से गलत है। एक्ट में ऐसा कोई नियम नहीं है, रूल्स में भी ऐसा कोई नियम नहीं है। क्या बोले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, सुनिए विस्तार से। मैंने यहाँ याचिका दर्ज की है, आज वो चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका है और उस याचिका में महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे उठाए गए हैं। माननीय उच्च न्यायालय अपने नियमों के अनुसार उस याचिका को देखेगा और उसके बाद उसमें अग्रिम आगे प्रक्रियाएं होंगी। याचिका का जो मूल स्रोत है, जो मूल उसमें ग्राउंड लिया गया है, वो संक्षेप में सिर्फ इतना है कि ये धारणा, ये प्रचलन या ये इंटरप्रिटेशन किसी नियम का, जिसके अंतर्गत जिसका नाम अगर टाई में, अगर बराबरी में जिसका नाम निकले वो हार जाए, ये धारणा, ये प्रचलन, ये इंटरप्रिटेशन कानूनी रूप से गलत है। ये आम तौर पे संस्कृति में, सोच में, कॉमन सेंस में जिसका नाम निकलता है, जब दो ही लोग होते हैं और दोनों में बराबरी होती है तो जिसका नाम निकलता है उसको जीतना चाहिए। ये जो नियम का इंटरप्रिटेशन दिया गया है किसी के भी द्वारा, वो गलत है। और इसलिए अगर ये इंटरप्रिटेशन गलत है तो जो परिणाम घोषित हुआ वो भी गलत होगा। ये भी मानना है कि जो एक्ट है, जो कानून है, उसमें ऐसा कोई नियम नहीं है। जो रूल है उसके नीचे, उसमें भी ऐसा कोई नियम नहीं है। लेकिन नियम का एक धारणा या एक इंटरप्रिटेशन दिया गया है, उसको चुनौती दी गई है। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN 24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।